एक्साइटेड तो क्या अगले हमारे सीनियर लीडर को बुलाया जाए? तो आपकी जोरदार तालियों के साथ सम्मान में आमंत्रित करना चाहूंगा सुरेश भार्गव जी को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सुरेश भार्गव जी। दोस्तों, नाम सुरेश भार्गव, बेसिकली जिला जींद हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला और एक किसान परिवार का बेटा हूं। इस बिजनेस में मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरे बहुत ही अजीज बड़े भाई गुरनाम सिंह जी ने। जैसा आप सबको बताया गया, मुझे भी ऐसे ही बताया गया था कि आपके साथ दो लोग जोड़ेंगे और 1000 रुपए का चेक आएगा। इस काम को अगर इसी तरीके से करोगे तो एक दिन बहुत अच्छे लेवल पर एक बहुत अच्छी इनकम पा रहे होंगे। दोस्तों, मुझे 2004 के अंदर इस सिस्टम को समझाया गया था लेकिन हजम नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हजारों रुपए लगाकर करोड़ों की बातें मुझे बताई गई थी। और नो डाउट दोस्तों, इससे पहले मैं एक बिजनेसमैन, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं उसको कर रहा था, जिसमें मैंने लाखों लगाकर मैं वहां से हजारों भी नहीं कमा रहा था। और यहां पर हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए महीना कमाने की बातें हजम होने वाली भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, समय बदलता गया, चलता गया, गुरनाम जी इस काम को करते रहे, हमारी बातें होती रहती, पूछते रहता था मैं आपका उस कंपनी का क्या चल रहा है। कभी इनका फोन आ गया, इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट की और ये जो आज प्रोजेक्टर के ऊपर 6 लेवल दिखाए गए थे, गुरनाम जी ने सबसे पहले इन 6 लेवलों को 32 दिन में किया था। दोस्तों, 32 दिन में मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनसे कि गुरनाम जी 32 दिन में 6 लेवल कर सकते हैं, यानी कि 2.25 लाख रुपए की इनकम अगर ये 32 दिन में कर सकते हैं, अगर इनके बताए रास्ते पे मैं चल के अगर 64 दिन में भी करूं, मेरे वाले पहले काम के साथ क्या बुरा है। एवरेज अगर देखूं 2 लाख रुपए इन्होंने 32 दिन में आए, मेरे अगर 64 दिन में 2 लाख, एवरेज 1 लाख रुपए महीना। दोस्तों, मैंने मन बनाया, इनके साथ दोबारा डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट के बारे में। दोबारा डिस्कस करने के बाद मैंने भी डिसीजन लिया, स्लो डिसीजन था मेरा, चलो धीरे धीरे जैसा ये बताते गए हम उसी के मुताबिक करते गए। और मैंने वो 6 लेवल 1 महीना 32 दिन में किए। दोस्तों, ठीक 2 महीने बाद मैंने कैलकुलेशन की, गुरनाम जी ने 1 महीने में 2 लाख कमाया, मैंने 2 महीने में 2 लाख कमाया। इट मींस बिजनेस तो चलेगा। जैसा मेरी अपलाइन से मैंने सीखा था, मैंने भी यहां पे 2010 के अंदर लेवल करके रॉयल्टी को सीख गया था। दोस्तों, अगर आपको लोग टोकते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बैग को पीछे से खींचते हैं और आपका प्लान लेने से मना कर देते हैं, कई बार फाइल बंद कर देते हैं, आप बोल देते हैं ना बंद करो यार, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, ऐसे बोलते हैं, घबराना मत, हमारे साथ यही हुआ था। इट मींस आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप रॉयल्टी पे जाएंगे। बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? कितने मेरे दोस्त है जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। छोटी सी बात बताना चाहूंगा एक, इस बिजनेस को आप ईमानदारी से करना, सिर्फ ईमानदारी से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग में से कोई भी आदमी बेईमान है, लेकिन ईमानदारी इस बिजनेस का सबसे मूल सिद्धांत है। वो क्यों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को साइन किया था, मैं उस दिन बैंकर्स था, मैं एक बहुत कर्जदार आदमी था, मेरी गाड़ियों की किस्त टूटी हुई थी, मार्केट में टायरों का पैसा देना था, स्पेयर पार्ट का पैसा देना था, और कुछ मैंने बैंक के 1-2 लोन लिए हुए थे, वो सारे पेंडिंग थे, मेरे सारे खाते एनपीए थे उस टाइम। मैं एक बैंकर्स था जिस दिन इस फॉर्म को साइन किया था। मेरे गुरुजी ने, मेरे दोस्त ने, गुरनाम जी ने मुझे एक ही बात बताई थी, सुरेश आज आप कर्जदार हो, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो तो
तो मेरा एक छोटा सा सजेशन दूंगा मैं आपको छोटे भाई, ये जो लोगों का पैसा मार्केट से इकट्ठा करते हो ना, इस पैसे को आप अपनी घर की जरूरतों में मत लगाना। ये मेरा एक सुझाव है, उस पैसे को अपनी घर की जरूरतों में ना लगा के उसका ड्राफ्ट बनवा के टाइमली दफन के अंदर जमा करवाते रहना। वो लोग आपके साथ, आज आप अकेले हैं, उन लोगों का ग्रुप बनेगा और वो सारा ग्रुप मिलके आपके साथ काम करेगा। और जैसे जैसे ग्रुप बनेगा, जैसे जैसे काम करोगे आप, एक अकेला आदमी पर 2, 4, 100, 200, यानी कि वो पूरी टीम बिल्ड होके आपको 6 महीने में कहीं से कहीं लेके जाएगी, आपके कर्जे का पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। मैंने उसी बात को फॉलो किया। दफन में 8 महीने के बाद, लगभग 8 महीने मुझे लगे, मेरी 8 महीने की डॉफिन की इनकम लगभग 16 लाख रुपए थी दोस्तों। सारा कर्जा भी उतर गया था, गाड़ी भी आ गई थी और घर में सारी सुख सुविधा भी हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ईमानदारी से कीजिए आप इस काम को, लोगों को यूज मत कीजिए। विश्वास बनाएं, विश्वास जमाएं और विश्वास करें आप, अपनी अपलाइन को बिल्कुल कम से कम यूज करें। हम लोगों ने अपलाइन को बहुत कम यूज किया, जरूरत पड़ी किसी सेमिनार में बुलाया, गुरु नाम जी को स्टेज पे सम्मानित किया, बहुत कम। अगर कहीं फंस गए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तब फोन करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो दिखते हैं ही नहीं, दिखते तो हमें आई होंगी। जब इस सिस्टम में किसी के चेक ही नहीं थे, किसी की रॉयल्टी नहीं थी, हार्ड फैक्ट बता रहा हूं मैं, जैन साहब के साथ बात करते थे, हम बैठते थे, लेकिन इन महान इंसान ने जो कमिटमेंट किया, जो वादा किया, जो प्लानिंग थी इसकी प्लान की, जैसा जैसा इन्होंने बताया, उनसे 21 किया दोस्तों, 19 नहीं किया दोस्तों, वो सब कुछ मिला। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास इतने सारे रॉयल्टी चीवर हैं, कंपनी का 2003 से लेकर आज तक 17 साल की प्रोफाइल, आज ऑफिस, आज आपके प्रोडक्ट, आज आपके पास सब कुछ है दिखाने के लिए। ईमानदारी के साथ काम करें, विश्वास करें आप अपने ऊपर और विश्वास करें उन लोगों के ऊपर जो आपके साथ आए हैं। ये एहसान करने का बिजनेस नहीं है, एहसान जताने का बिजनेस नहीं है कि मैं छठा लेवल करूंगा, मेरे सीनियर का सातवां लेवल हो जाएगा, इसलिए मैं अपने छठे लेवल को थोड़ा होल्ड कर लेता हूं। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे भी आपके, जो किसी का फोर्थ लेवल के लिए फाइट है, किसी की फिफ्थ लेवल के लिए, वो सोचते दिमाग लड़ाते हैं, ये दिमाग से चलने का बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी, ये तो सिर्फ गुंगे और बहरों का बिजनेस है, जो ना ही बोल सकते और ना ही सुन सकते, सिर्फ लगे रहते हैं अपनी धुन के अंदर और वही गारंटी रोटी जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरी इस कामयाबी के पीछे मैं थैंकफुल हूं मेरे बड़े भाई गुरनाम जी का, इस कंपनी के पहले रॉयल्टी चीवर हैं और मेरी अपलाइन है, और सभी रॉयल्टी चीवर्स मेरे साथी और मान्यवर श्री प्रवीण जैन जी, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं श्रीमान प्रदीप जैन जी का कि आपने जो वादा किया उससे 1000 गुना हमारे को ज्यादा दिया। लास्टली थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।